गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कैपिलरी रिएक्शन। तो कैपिलरी रिएक्शन देखने से पहले हम देखेंगे कैपिलरी ट्यूब क्या होता है। तो कैपिलरी ट्यूब का डेफिनेशन है अ ट्यूब हैविंग वेरी फाइन बोर एंड ओपन एट बोथ एंड्स। तो बोर मतलब क्या होता है, डायमीटर। एक ट्यूब है जिसकी जो डायमीटर है वो क्या है, वेरी फाइन है, और उसका जो डायमीटर है वो नियर अबाउट क्या है, 1 mm। तो यहाँ पे हमने एक ट्यूब कंसिडर की है। तो ये ट्यूब है जिसके दोनों एंड क्या है, ओपन है, और उसका डायमीटर क्या है, 1 mm है। ओके, तो अभी देखो ये कैपिलरी अगर आप वाटर और केरोसिन, वाटर नहीं तो केरोसिन में अगर आप इसे डिप करोगे तो ये क्या करेगी, ये अगर आप वाटर और केरोसिन में डिप करोगे, वाटर और केरोसिन क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, सॉलिड को कम्प्लीटली और पार्शियली वेट करते हैं। वेट मतलब गीला करते हैं। ओके, तो ये वाटर और केरोसिन के अंदर डिप करने के बाद, सपोज ये वाटर लेवल यहाँ तक है और ये कैपिलरी आपने डिप की है, तो इसका जो कैपिलरी का लेवल होगा, लिक्विड का लेवल होगा, वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये बुरा क्या है यहाँ पे, वाटर नहीं तो केरोसिन, दोनों केसेस में क्या होगा, लिक्विड जो होगा कैपिलरी के अंदर ऊपर चला जाएगा। सेकंड मैं बीकर में लिया है मैंने मर्क्यूरी, जो सॉलिड को वेट नहीं करता, डज नॉट वेट सॉलिड। तो इस केस में क्या होगा, अभी पहले तो वाटर और केरोसिन में ये जो वाटर होता है वो क्या करता है, कॉनकेव शेप बनाता है। तो वाटर जो राइज होगा तो उसका भी जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव। और मर्क्यूरी के अंदर ये जब डिप होता है तो ये वाला शेप क्या बनता है, कॉन्वेक्स बनता है, कॉन्वेक्स है, लेकिन यहाँ से कॉन्वेक्स है और ये क्या है, प्लेन सरफेस है। और ये जब मर्क्यूरी के अंदर हम डिप करते हैं तो इसका जो लेवल है वो राइज होने की जगह पे क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। तो ये जो लिक्विड है वो क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। तो ये कैपिलरी ट्यूब जब भी हम लिक्विड में डिप करते हैं तो वो लिक्विड के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पार्शियली वेट करता है या कम्प्लीटली वेट करता है, तो उसके ऊपर जो कैपिलरी है वो राइज और फॉल करती है। तो हम कैपिलरी एक्शन का अभी डेफिनेशन देखेंगे। तो इसका डेफिनेशन है द फेनोमेनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब, राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप इन अ लिक्विड इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन। तो जो भी कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज और फॉल होता है जब उसे लिक्विड के अंदर हम डिप करते हैं तो उस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, आप कैपिलरिटी बोल सकते हो नहीं तो कैपिलरी एक्शन बोल सकते हो। कैपिलरी एक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट है ऑयल राइजेस अप विथ ऑफ अ लैम्प। ओके, तो देखो यहाँ पे ऑयल जब आप दिए में डालते हो और यहाँ पे ये वीक होता है, नहीं तो ये आप बाती बोलो, तो ये दिया किस वजह से जलता है, तो ये बाती जलती है क्या, नहीं। तो ये जो ऑयल होता है वो क्या होता है, कैपिलरी राइज के वजह से क्या होता है, ये यहाँ से राइज अप होके ये बात यहाँ तक जाता है और ये ऑयल यहाँ पे जलता है, इस वजह से ये आप दिया जल रहा है ऐसा आपको दिखता है। सेकंड है क्लॉथ रैग सक्स वाटर। तो देखो जो क्लॉथ होते हैं तो वो क्या करते हैं, वाटर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये आपने डेली आपके रूटीन में आपने देखा होगा। तो ये किस वजह से होता है, तो यहाँ पे भी कैपिलरी राइज मेथड क्या होती है, वर्क करती है, जिस वजह से वाटर क्या होता है, क्लॉथ के अंदर सक्स हो जाता है। ओके, थर्ड है सैप एंड वाटर राइज अप टू द टॉप मोस्ट लीव्स इन अ ट्री। तो देखो जब हम देखते हैं कि ये ट्री है और इसके जो ये रूट है, तो यहाँ से वाटर राइज होके कैपिलरी राइज मेथड से ऊपर की तरफ जाके ये जो लीव्स होते हैं, जो क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस की यूज़ करके फोटोसिंथेसिस मेथड से अपना खाना बनाते हैं, तो इनको वाटर जो चाहिए होता है वो क्या होता है,
रूट से होके ऊपर के लीव तक जाता है। तो ये किस वजह से जाता है? तो यहाँ पे भी कैपिलरी राइज होता है और कैपिलरी एक्शन बोल सकते हो। तो इस वजह से नीचे से वाटर ऊपर के लीव तक पहुँचता है। फोर्थ एग्जाम्पल है ब्लॉटिंग पेपर एब्सॉर्ब्स इंक। तो अब जो केमिस्ट्री में ब्लॉटिंग पेपर आता है, तो वो अगर आप इंक के अंदर आप डिप करोगे तो वो क्या होगा? अगर सपोज आपने क्या किया है, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन अगर आपने डिप किया है इंक के अंदर, तो ये क्या होगा? ये कैपिलरी राइज मेथड से पूरा ऊपर तक पहुंच जाएगा। तो ये है फोर्थ एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कैपिलरी रिएक्शन, तो आपको कैपिलरी रिएक्शन का डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल्स लिखने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैपिलरी राइज। तो यहाँ पे हम लेंगे वाटर, ग्लास और ट्यूब। तो इस मेथड से कैपिलरी राइज कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट तो मैंने ये बीकर लिया है और बीकर के अंदर मैंने लिया है वाटर। ये है, यहाँ पे वाटर लिया है और पहले जब मैंने इंसर्ट किया है कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर, तो क्या हो रहा है? तो यहाँ पे एक ऐसा कॉनकेव शेप बनेगा इस साइड से, कॉनकेव, और ये सरफेस क्या है? प्लेन है। यहाँ पे भी ऐसे ही बनेगा और ये कैपिलरी ट्यूब मैंने जस्ट इंसर्ट किया, इस वजह से ये भी जो शेप होगा वो भी क्या बनेगा? यहाँ पे कॉनकेव बनेगा क्योंकि मैंने जस्ट इंसर्ट की है, अभी कैपिलरी राइज होना बाकी है। तो यहाँ पे इंसर्ट किया है, तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो वैसे मैं यहाँ पे पॉइंट कंसिडर करूँगी। सपोज ये ए पॉइंट है, ये है ए पॉइंट, और जिस इसके जस्ट नीचे क्या है? बी पॉइंट। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट कंसिडर करूँगी सी, और यहाँ करूँगी डी। तो हमें पता है कि प्रेशर ए पे और सी पे, ये क्या है? फ्री सरफेस के ऊपर है। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर लगने वाला है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉनकेव शेप बन रहा है, तो कॉनकेव शेप जिस डायरेक्शन में होता है, तो उस डायरेक्शन में जो प्रेशर लगता है वो क्या लगता है? ज़्यादा लगता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा? इस बी पॉइंट से क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, सी और डी पॉइंट पे, सी और डी पॉइंट अगर आप कंसिडर करोगे, तो ये क्या है? एक प्लेन सरफेस हो गया। तो प्लेन सरफेस में क्या होता है? सी पॉइंट पर जो प्रेशर लगेगा वही प्रेशर क्या लगेगा? डी पॉइंट पे लगेगा। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो ये इस तरीके से हम पहले लिखेंगे कि प्रेशर एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए इक्वल टू क्या है? प्रेशर एट पॉइंट सी। दोनों पे क्या लगेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो आप लिख सकते हो आप प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी। तो ये कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अभी देखो ये क्या हो गया? एक प्लेन सरफेस हो गया। तो प्लेन सरफेस में हमने देखा था, हमने ऐसा एक एग्जांपल देखा था कि ऐसा प्लेन सरफेस होगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वही क्या लगेगा? इस पॉइंट पे लगेगा। तो उसी का यूज़ करके हम देखेंगे कि प्रेशर एट पॉइंट सी इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर एट पॉइंट डी होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कॉनकेव शेप बन रहा है, तो कॉनकेव शेप में तो प्रेशर इक्वल नहीं होता, बट यहाँ पे प्लेन सरफेस हो तो ये दोनों प्रेशर क्या हो गए? इक्वल हो गए। देयरफॉर प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर एट पॉइंट डी। तो तीनों में कौन सा प्रेशर लगेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। ओके, तो हमें ये पता है ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज देयर इज प्लेन सरफेस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी। तो सी एंड डी के बीच में क्या है? प्लेन सरफेस है।
अभी यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, कॉनकेव मिनिस्कस है, तो इस वजह से क्या होगा, प्रेशर एट पॉइंट बी इज लेस देन प्रेशर पॉइंट ए, क्योंकि जिस साइड पे कॉनकेव शेप बना होता है उस साइड पे प्रेशर क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज देयर इज कॉनकेव मिनिस्कस इन बिटवीन ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी, सो प्रेशर एट पॉइंट बी इज लेस देन प्रेशर एट पॉइंट ए। ओके, तो देखो प्रेशर एट पॉइंट बी इज लेस देन प्रेशर एट पॉइंट ए, ऐसे हम लिखे ना, ऐसे हमने लिखा है, तो प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल टू क्या है, प्रेशर एट पॉइंट सी और प्रेशर एट पॉइंट डी। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर एट पॉइंट बी, क्योंकि पी ए इक्वल टू क्या है, पी डी है, तो प्रेशर एट पॉइंट बी इज लेस देन प्रेशर एट पॉइंट डी। तो देखो अगर ये जो प्रेशर एट पॉइंट बी है वो क्या है, डी से लेस है, डी से क्या है, लेस है, तो हमें पता है कि वाटर क्या होता है, हायर लेवल से लोअर लेवल, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो होता है, तो इस वजह से यहाँ पे जो हाई प्रेशर है, डी पॉइंट पे क्या है, हाई प्रेशर है, तो इस वजह से क्या होता है, ये वाटर हायर प्रेशर से, हायर प्रेशर टू, यहाँ पे लोअर प्रेशर है ना, तो लोअर प्रेशर की तरफ क्या होता है, वो आगे बढ़ता है, तो इस वजह से ये जो वाटर होता है वो ऊपर की डायरेक्शन में, तो इस वजह से क्या होगा, ये जो कैपिलरी में का, ये वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाएगा, तो ये कैपिलरी के अंदर ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला जो बन रहा है कॉनकेव शेप, तो ये किस वजह से ऊपर चढ़ गया है, ये चढ़ गया है सरफेस टेंशन की वजह से, हमने देखा था, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से ये राइज हो गया है, ये पॉइंट डी है और ये है पॉइंट बी, और ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया, ऊपर चढ़ गया, तो ये किस साइड पे चला गया अभी, हाइट एच पे। तो ये जो मैंने कैपिलरी राइज आपको शॉर्ट में जो लिख के दिया है, तो आपके बुक में इसका पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आप पीडीएफ में से देखो, नहीं तो आपके पास बुक होगा तो उस बुक में से इसका पूरा जो थ्योरेटिकल लिखा है वो सब बुक के अंदर लिख के कंप्लीट करो। उसके बाद देखते हैं कैपिलरी फॉल, तो कैपिलरी फॉल और कैपिलरी राइज ये सेम आप मतलब बुक में जैसे दिया है, तो बुक में भी आपको क्या दिया है, कैपिलरी राइज का सिर्फ थ्योरी दिया है, तो उस पर से आप कैपिलरी फॉल का बना सकते हो और वो लिख सकते हो। तो कैपिलरी फॉल में क्या होता है, तो कैपिलरी फॉल में मैंने क्या किया है, इस बेकर में मर्क्यूरी कंसिडर किया है और कैपिलरी मैंने जस्ट डिप की है, इस वजह से ये जो मर्क्यूरी का जो ये सरफेस है वो क्या है, सेम एज ये दो बोथ सरफेस है उसके जैसा ही है। तो यहाँ पे जो ए पॉइंट मैंने कंसिडर किया है, ए और सी, वो क्या है, फ्री सरफेस के ऊपर है, और डी और बी क्या है, फ्री सरफेस के नीचे है। तो जैसे हमने देखा है कि जिस साइड पे कॉनकेव शेप बना होता है उस साइड पे प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओके, और जो ऊपर है यहाँ पे ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एटमॉस्फेरिक फोर्स लग रहा है। ओके, तो हम लिख सकते हैं प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट सी, तो ये कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, और पता है सी और डी ये दोनों पॉइंट क्या है, एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक है, और ये जो है ये प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस के अंदर जो पॉइंट मतलब जो प्रेशर आपको फ्री सरफेस के ऊपर लग रहा है वही क्या होता है, एग्जैक्ट सेम लगेगा। तो यहाँ पे भी सेम क्या हो जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट डी, तो तीनों पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ओके, अभी बी पॉइंट की बात आएगी, तो बी पॉइंट के तरफ क्या है, कॉनकेव शेप है, इस वजह से यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा, यहाँ से ज़्यादा लगेगा, सो प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए,
ओके। और प्रेशर एट पॉइंट ए, पी ए इक्वल टू क्या लिखा है हमने, पी डी, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट डी। तो देखो, अगर डी का प्रेशर ज़्यादा होगा बी से, तो ये लिक्विड कैसे जाएगा हायर, यहाँ पे हाई प्रेशर है ना, पॉइंट डी पे क्या है, लेस है लो प्रेशर, और यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर। तो लिक्विड क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होगा। तो अभी ये जो मर्क्यूरी होगा वो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जा रहा है, मतलब ये जो लेवल होगी इसकी क्या होगी, कम होते जाएगी। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये उसका हाइट h इतना, ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हमने देख लिया कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल। उसके बाद हमें एक फॉर्मूला हमें प्रूव करना है, तो वो है h इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइड बाय रो r g। तो यहाँ पे हमें पता है टी क्या है, सरफेस टेंशन, कॉस थीटा क्या है, ये जो एंगल बनते हैं ये टेंशन के वजह से, ये जो टेंशन है ये जो नीचे आया है किस वजह से आया है, सरफेस टेंशन के वजह से भी ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो सरफेस टेंशन कॉस थीटा, रो मतलब डेंसिटी पता है, आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ द बोर, ये जो ट्यूब का रेडियस है वो, जी ग्रेविटेशनल फोर्स, और एच क्या है, ये वाला हाइट। तो हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। तो आपके बुक में दो मेथड दिए, तो हम सेकेंड मेथड यूज़ करेंगे, आप कौन सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, मैं सेकेंड मेथड आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखो एक बीकर है, और उसके अंदर मैंने कैपिलरी राइज का मेथड जो है, कैपिलरी राइज होता है तब कौन सा इक्वेशन, कैसे इक्वेशन निकलता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे कैपिलरी राइज हुआ है, हाइट क्या है इसकी, एच है, तो इतने पोर्शन में, ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें क्या होता है, किस वजह से ये राइज होता है, ये मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाती हूँ। तो ये हमने ये जो ट्यूब था इसे यहाँ पे निकाला है, तो यहाँ पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट तो ये जो कैपिलरी राइज हुआ है, ये सपोज फ्री सरफेस है, और ये फ्री सरफेस से ये क्या हो जाएगा, हुआ है कैपिलरी राइज हुआ है यहाँ तक, ओके। तो यहाँ पे जब कैप राइज हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, पूरा लिक्विड है, तो यहाँ पे ये जो शेप बन रहा है, कैपिलरी राइज हुआ है तो यहाँ पे क्या शेप बन रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, सरफेस टेंशन लग, फर्स्ट तो यहाँ पे ये जो कॉनकेव शेप बन रहा है, तो कॉनकेव शेप की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक सरफेस टेंशन लगेगा, ये हम लिखेंगे F, और यहाँ से एक सरफेस टेंशन लगेगा, ये भी क्या लगेगा, F। तो ऑब्वियस है इसके क्या निकलेंगे, कंपोनेंट बनेंगे, एक होगा हॉरिजेंटल और एक होगा वर्टिकल। तो यहाँ पे एक वर्टिकल ऐसा कंपोनेंट बन गया, और ये हॉरिजेंटल, या इस डायरेक्शन में भी वर्टिकल, और ये हो गया हॉरिजेंटल। तो अगर हम एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा थीटा, तो उसका ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में थीटा होता है, उस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट बनता है, एफ कॉस थीटा। तो ये एफ कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियस एफ साइन थीटा। सेम यहाँ पे भी ये जो एंगल बनेगा, ये क्या बनेगा, थीटा, तो ये ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये जा ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो हम इसे सरफेस टेंशन बोल रहे हैं, तो एफ टी, एफ टी ऐसे लिख सकते हैं, एफ टी कॉस थीटा, एफ टी कॉस थीटा, और एफ टी साइन थीटा, ऐसे आप लिख सकते हो, ओके। और ये वाला हाइट कितना, फ्री सरफेस से ऊपर गया है, तो ये हाइट क्या है इसकी, एच है। अभी देखो यहाँ पे ये जो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, एफ कॉस थीटा। अभी यहाँ पे एफ टी साइन थीटा और ये एफ टी साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो ये बैलेंस करेंगे, तो कौन से फोर्स पर बन रहे, ये दोनों तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो अब एफ टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, तो एफ टी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है एम जी,
एमजी मास क्या कर रहा है, ये वाटर का मास और ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, तो एफ टी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है एमजी। आप यहाँ पे देख सकते हो, सपोज ये मैंने ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे बनाया, क्योंकि ये क्या बोर है, एक कैपिलरी है, तो ये राउंड शेप यहाँ पे मैंने 3D डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में लग रहा था एफ टी साइन थीटा, इस डायरेक्शन में भी लग रहा था एफ टी साइन थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल। तो अब सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है एफ टी कॉस थीटा, सो एफ टी कॉस थीटा, और यहाँ पे भी क्या लग रहा है एफ टी कॉस थीटा। तो ये सब क्या हर एक पोर्शन पे लगे, एफ टी कॉस थीटा, और ये यहाँ पे भी लगेगा एफ टी कॉस थीटा। तो ये सब किस वजह से, किस से बैलेंस होगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा एम जी से, ये हो जाएगा एम जी से बैलेंस हो जाएगा। और देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल है और यहाँ पे क्या लगेगा हॉरिजॉन्टल में एफ टी साइन थीटा, यहाँ पे भी एफ टी साइन थीटा। तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे जो एफ टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी। तो पहले तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं आर इक्वल टू रेडियस ऑफ लिक्विड रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। अब देखते हैं वेट ऑफ लिक्विड राइज इनसाइड कैपिलरी, तो वो कितना है, वेट ऑफ लिक्विड राइज इनसाइड कैपिलरी, वो क्या कंसिडर किया है हमने एम जी। सो एम जी इक्वल टू, एम जी किससे बैलेंस हो रहा है एफ टी कॉस थीटा से, तो हम लिखेंगे एम जी इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा, उसे देंगे हम इक्वेशन नंबर वन। पर हमें पता है सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे लिखोगे बट T इक्वल टू एफ टी डिवाइड बाय एल। तो यहाँ पे जो L है वो है, तो ये जो L है ये क्या है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो ये L जो आएगा वो क्या आएगा 2πr इतना आएगा, क्योंकि ये पूरा क्या है सर्कल है, तो यहाँ पे एफ टी डिवाइड बाय 2πr। सो एफ टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, T इंटू 2πr, तो इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर टू। तो जैसे कि हमें पता है रो मतलब क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वो हम क्या करेंगे, सो एज रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा रो इंटू वी। तो अभी रो तो हमें पता है और वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा अभी सिलेंडर, क्योंकि हमने जो हमारा वाटर क्या हो जाएगा राइस हो रहा था, तो यहाँ पे क्या बन रहा था एक ये सिलेंडर बन रहा था, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो वो होता पाई आर स्क्वेयर एच। तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम हम यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वेयर एच, और इसे देंगे इक्वेशन नंबर थ्री। सो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वेयर एच। तो अभी हम लिखेंगे पुट इक्वेशन टू एंड थ्री इन इक्वेशन वन, तो वन के अंदर अगर आप डालोगे तो आ जाएगा जो इक्वेशन नंबर वन था वो था हमारा तो इक्वेशन नंबर वन क्या है हमारा एम जी इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा। तो ये हम लिखेंगे
एम जी इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा, तो एम के जगह पे क्या आ जाएगा, रो पाए आर स्क्वायर एच, सो रो पाए आर स्क्वायर एच और जी एज इट इज इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा, तो इसके जगह पे आए तो एफ टी इक्वल टू क्या लिया है हमने, टी टू पाए आर, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे तो आ जाएगा टी टू पाए आर और ये कॉस थीटा एज इट इज, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, पाए और पाए गेट कैंसिल, आर स्क्वेयर और ये आर गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या, तो बचा हुआ जो है वो है रो एच जी, सॉरी आर भी है, रो आर एच जी इक्वल टू टी टू कॉस थीटा, तो हमें निकालना है एच, तो एच इक्वल टू हो जाएगा टू टी कॉस थीटा डिवाइड बाय रो आर जी, तो ये क्या है इक्वेशन है, ये इक्वेशन है इक्वेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, तो ये इक्वेशन कैपिलरी राइज में भी यूज होता है और फॉल में भी यूज होता है। अगर आपको सरफेस टेंशन निकालना होगा, अगर आपको दिया है कि सरफेस टेंशन निकालना है, तो आप क्या करोगे, टी इस साइड में और ये सब हो जाएगा रो, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो रो आर जी एच डिवाइड बाय टू कॉस थीटा, तो ये आपका ये इक्वेशन है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक कंसिडर कवर करेंगे और हम टेस्ट भी लेने वाले हैं, तो वो भी कवर करेंगे।